आज कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में दी गई संस्कृत पाठ एक वंदना के श्लोक इनका अर्थ बताया जा रहा है। दो श्लोकों का अर्थ आज बताया जाएगा, जिसे सभी स्टूडेंट अपने नोटबुक पर लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी लिखेंगे। तेजोवसि तेजोमहि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमहि धेहि, बलमसि बलमहि धेहि, ओजोवसि ओजोमहि धेहि। अर्थात ईश्वर से वंदना की जा रही है कि आप तेजवान हैं, तो मई माने मुझे भी, धेय माने धारण करो, मुझ में भी तेज धारण करो। वीर्यम असि वीर्यम मई धेय, आप वीरवान हैं तो मुझ में भी वीरता धारण करो, हमारे अंदर भी वीरता धारण कराओ। बलमश बलम मई धेय, आप बलवान हैं तो मुझ में भी बल धारण करो। ओजोवश ओजोमय दे, आप ओजवान हैं, कांतिवान हैं, यशवान हैं, तो हमारे अंदर भी ओज यानी यश या कीर्ति धारण करो। श्लोक नंबर 2, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मामृतम गमय। अर्थात ये जो है माँ की वंदना है, ईश्वर से वंदना की गई है। अस्तो मां सद्गमय यानी हमें अस्तो, असत माने होता है बुराई, हमें बुराई से सत्य की ओर गमय माने ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम माने अंधकार होता है, मुझे अंधकार से ज्योति गमय, गमय माने प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु और मां अमृतम गमय, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, यानी अमरता की ओर ले चलो। इस प्रकार श्लोक नंबर ये पहला और दूसरा, जिसका अर्थ आज बताया गया, शेष श्लोकों का अर्थ अगले टॉपिक में बताया जाएगा, और इन सभी श्लोकों का अर्थ हिंदी अनुवाद पहले संस्कृत में लिखना है, फिर उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और ये लेसन जो है कोर्स में है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। आज के लिए कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।